This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल लोकल टीवी कागज नगर की खबरों के साथ। मैं कौशिक आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज है तारीख 5 जून 2022 और दिन है रविवार का। तो आइए देखते हैं पहले आज की हेडलाइंस। 12 को टेट, 6 को हॉल टिकट। महाराष्ट्र में फिर से मास्क हुआ जरूरी। कागज नगर म्युनिसिपैलिटी को मिला फंड। कागज नगर पुलिस फुल एक्शन में। सरकारी चावल या प्लास्टिक का चावल, अध्यापकों की ट्रांसफर समस्या। तो आइए देखते हैं आज की खबर विस्तार से। पहली खबर टेट परीक्षा लिखने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। इस महीने की 6 तारीख को टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की हॉल टिकट जारी की जाएगी। 12 तारीख को इसकी परीक्षाएं होने वाली है। परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर ली गई है। हॉल टिकट आपको ऑनलाइन से डाउनलोड करना पड़ेगा। सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक पेपर 1 होगा और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर 2 होगी। तो जो भी लोग टेट लिख रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आज की दूसरी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र आने जाने वाले कागज नगर वासियों के लिए एक विशेष सूचना आई है। मुंबई में बढ़ते कोरोना केसों के चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक सूचना जारी की है। अब फिर से महाराष्ट्र में मास्क पहनना आवश्यक हो गया है। पब्लिक प्लेसेस में मास्क के बिना जाने पर आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो जब भी आप महाराष्ट्र जाएं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तीसरी खबर कागज नगर म्युनिसिपैलिटी से। कागज नगर म्युनिसिपैलिटी के पास फंड आ गए हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिलकर करीब 2 करोड़ रुपये कागज नगर म्युनिसिपैलिटी को दे दिए हैं। डंप यार्ड और कचरा प्रबंधन के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का बजट है। वहीं ग्रीन पार्कों के विकास के लिए करीब 33 लाख रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। जल्द ही डंप यार्ड के टेंडर जारी होंगे ऐसी सूचना मिली है। आज की चौथी खबर कागज नगर से, जहां शहर कागज नगर में पुलिस फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। रोज कहीं ना कहीं छापेमारी शुरू है। कल चिंतागुड़ा में अचानक से छापा मारते हुए किराना दुकान से करीब 2,500 रुपए के गुटखे बरामद किए गए। वहीं ऑपरेशन चबूतरा नाकाबंदी भी जोरों पर है। रोज रात में कोई ना कोई गिरफ्तार हो ही रहा है। साथ ही गाड़ियों की तलाशी भी जोरों पर है। रोज शाम में गाड़ी चेकिंग अभियान भी चलाई जा रही है। तो इस हिसाब से कागज नगर वासियों को सतर्क और सुरक्षित भी रहना है। आज की पांचवी खबर चावल को लेकर। वैसे तो आजकल सरकारी राशन का चावल फोर्टिफाइड आ रहा है। फोर्टिफाइड मतलब चावल में विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड अलग से मिलाया जा रहा है, ताकि राशन का चावल खाने वालों को सही रूप से पोषक तत्व मिले। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग असमंजस में हैं। जब चावल पकाया जा रहा तो वो जल्द ही सख्त हो जाता है। चावल पीस कर पानी में मिलाते हैं तो पानी और चावल का आटा अलग हो जाता है और पानी के ऊपर ही आटा तैर जाता है, ठीक से मिलता ही नहीं। लोगों की मांग है कि खाद्यान्न विभाग को इस बारे में विस्तृत जानकारी जनता को देनी चाहिए, ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि चावल प्लास्टिक का है। राशन के डीलरों के साथ अक्सर लोगों की बहस हो रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। आज की आखिरी खबर कागज नगर के सरकारी टीचरों को लेकर। सरकारी टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर बवाल फिर से शुरू हो गया है। पहले तो ये नियम बना दिया गया कि इस जिले के अध्यापक सिर्फ इसी जिले में काम कर पाएंगे, उनका बाहरी दूसरे जिलों में ट्रांसफर नहीं होगा। फिर देखा जाता है कि किसी सब्जेक्ट के टीचर जरूरत से ज़्यादा हो गए हैं तो किसी सब्जेक्ट में टीचर्सों की कमी पड़ गई है। उसके बाद महिला अध्यापकों को मिलने वाले विशेष ट्रांसफ़र ऑर्डर को भी निरस्त करके ताक पर रख दिया गया है। इसके बाद जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के हैं उनके ऑर्डर को भी अटका दिया गया है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब दो टीचर्स आपस में फैसला करके एक दूसरे के पोस्टिंग की अदला बदली कर लेते हैं। अब ट्रांसफ़रों को लेकर हो रहे इस बवाल का समाधान अध्यापक संघों ने रख दिया है और जल्द ही इसके समाधान की मांग कर रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा पता नहीं। अब तो तनख्वाह भी रुक रुक कर आ रही है, ऊपर से सुदूर इलाके में ड्यूटी करना पड़ता है। अध्यापक संघ की अध्यक्षा श्रीमती शांति कुमारी जी ने सभी अध्यापकों की ओर से ये दास्तान हमसे बयां की।
तो उम्मीद है आज की खबरें आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कागज़ नगर के लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कागज़ नगर की खबरें उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।